Hello everyone and assalamualaikum. Welcome back to Study with Me, Muna. क्या हाल चाल आप सबका? आई होप ठीक ठाक है, साथ में खुशहाल भी अपने घर में. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. इन टुडेज़ लेसन आई विल बी शेयरिंग यू सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो ईजी फॉर्मूलाज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, जो कि आप आपके कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. You all may see there are three formulas, sin, cos and tan, जो कि आपकी कैलकुलेटर में होना चाहिए. अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, वो होना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही आप इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर है sin, cos and tan, और उसके फॉर्मूलाज है opposite over hypotenuse, and cos है adjacent over hypotenuse, tan है opposite over adjacent. सिंपल फॉर्मूला इनको याद करने का, सो खाटोआ, दैट मीन्स sin इज ऑपोजिट ओवर hypotenuse, cos इज adjacent ओवर hypotenuse, tan इज ऑपोजिट ओवर adjacent. तो बेसिक्स में से शुरू करती हूँ मैं आज. इन अ ट्राइंगल देर आर 180 डिग्रीज ऑल टुगेदर. थ्री साइड्स होते हैं इन अ ट्राइंगल, ऑल टुगेदर होते हैं 180, और उसकी जो क्यूब होता है, क्यूट, उसमें रहते हैं 90 डिग्रीज, और जो 90 डिग्रीज के ऑपोजिट जो होता है एंगल, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस. सो लाइक इन अ ट्राइंगल देर इज लाइक थ्री साइड्स, और जो लंबी सर की जो लाइन रहती है एंड में, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जो कि होना चाहिए 90 डिग्रीज के बिल्कुल ऑपोजिट. सिंपल इज दैट ऑपोजिट इज ऑपोजिट टू द हाइपोटेन्यूस एंड एडजेसेंट इज बिसाइड हाइपोटेन्यूस. सो ये थ्री आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं, जो कि मैं करी हूँ इधर बुक पर, 23.3 पेज 881. यहाँ पर मैं एवरी क्वेश्चन में, जब भी बुक में क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर लिख दूँ. मेरी टीचर ये बोलती है कि क्वेश्चन भी लिखो और साथ ही साथ ट्राइंगल्स एंगल्स सब ड्रॉ करो, ताकि जब रिवाइजेशन में जाए वापस, तो एज आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए हैंडी होगा. अगर आप नहीं करना चाह रहे या फिर हरी में आप, why not, you can just write the answers, but I always write the question and I draw the angles, so it's handy for me. So as you all may see, यहाँ पर मेरा जो hypotenuse is 13 and opposite is 5 in question 1 I'm talking about, and the adjacent is 12. So all you have to do is, it was the question was asking that you have to write it as sin A, that is the hypotenuse over opposite, I mean hypotenuse over opposite, and you just have to write the numbers, that's it. If you want to simplify, you can, but in exam you actually have to simplify the when you get the answer. So it's because you don't like lose marks. Agar aap simplify nahi kare aur question mein nahi pooch rahe, phir bhi agar aap kar de simplify, you just get extra marks, extra points, so it's good for you. तो देखिए क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को सेम फार्मूला यूज़ करना है. बट अगर बता रहा है कि उसमें आपको कॉस यूज़ करना है या फिर टैन यूज़ करना, सो यू हैव टू एक्चुअली यूज़ द फार्मूलाज टू गेट द करेक्ट आंसर. देखिए सम पीपल कहते हैं मैथ्स एक बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, बट इन माई ओपिनियन अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाएं और अगर आप इसको जॉयफुल से पढ़ें, और आई नो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, फिगरिंग रहता है इसमें, एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन फोर्थ क्लास आई वाजंट रियली गुड एट मैथ्स एट ऑल, बट एक्चुअली आई यूज्ड टू डू दिस ब्रेन टीजर्स, इट्स अ बुक कॉल्ड ब्रेन टीजर्स एंड इट वाज सो हेल्पफुल फॉर मी. इट्स जस्ट एक्सलेंट बुक, आई वुड रिकमेंड जो भी मैथ्स में स्ट्रगलिंग करते हैं, एनी एज ग्रुप में हो आप, अगर आप 20s में हो या फिर 16 या फिर 10 ईयर्स, whatever age you are, brain teasers is just an amazing book, so please try it out if you're struggling out with maths, and soon I'll be also putting a video on it on brain teasers. Maths mein ye hota hai, subject ek interesting subject hai, but ye hota hai ki hume concentrate karna hota hai aur sath hi sath focus karna hota hai. Maths class, har ek class mein aap jao, colleges mein ya schools mein, aapko har ek cheez jo bhi aap jahan par karte hain kaam, us pe aapko focus karna bahut hi zaruri hai. Agar aap focus na kare to aapko acche grades nahi aayenge. Focus is the main key to get great grades and
अगर आपको टॉप पे जाना है 100% लेके आना हर एक एग्ज़ाम, विच इज़ क्वाइट रेयर फॉर सम स्टूडेंट्स. वैन हमारे स्कूल में यहाँ बस लाइक 4 or 5 को ही बस डिस्टिंक्शन आता है. डिस्टिंक्शन यानी 90 to 100%. एंड हायर मेरिट में बहुत सारे लोग आते हैं. सो आई वुड से कि फोकस इज़ द मेन की टू गेट एवरी सिंगल थिंग राइट एंड टू गेट एट द हाइस्ट पॉइंट, लाइक टू गेट द बेस्ट ग्रेड्स एवर. देख सकते हैं यहाँ मेरा होमवर्क क्या था, पेज 381, क्वेश्चन 7. और मेरा आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर. मुझे तीनों फार्मूलाज यूज़ करना था बट इन अ डिफरेंट वे. एंड द की पॉइंट, और जब की पॉइंट्स आते हैं तो मैं एन ए लिख देती हूँ, यानी की पॉइंट्स. हेट स्क्वेड इक्वल्स ए स्क्वेड प्लस बी स्क्वेड. और ये पाइथागोरस थ्योरम का एक ऐसा इम्पोर्टेंट है, ये जो मैथ्स होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम याद करना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो हेट स्क्वेड इक्वल्स ए स्क्वेड प्लस बी स्क्वेड, यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ बाय हार्ट एंड इट इज़ क्वाइट लाइक सिंपल टू रिवाइज. एंड देन इफ यू हैव लाइक द हाइपोटेन्यूज इन अ डिफरेंट साइड, सो यू जस्ट हैव टू डू इज ए स्क्वेड इक्वल्स टू हेट स्क्वेड प्लस बी स्क्वेड. नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन 4, यानी 23.3 एक्सरसाइज. एंड एज यू ऑल मे सी आई हैव द हाइपोटेन्यूज एंड द ट्राइंगल ड्रॉइन आउट. हाइपोटेन्यूज इज 17 एंड द एंगल इज बी एंड एडजेसेंट इज ए ऑपोजिट इज ए एंड स्टफ लाइक दैट. इट्स जस्ट सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो द फॉर्मूला सो यू गेट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ इट. देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सबसे नीटेस्ट पेज है पूरी मैथ्स कॉपी में से, सबसे ज़्यादा नीटेस्ट पेज. आई डोंट नो व्हाई बट एट द टाइम मेरी टीचर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दी थी क्योंकि ये लंबी एक्सरसाइज थी और मैं कॉपीज़ में करना था. सो आई डिसाइडेड टू डू इट वेरी नीटली. सो ओके, यूजिंग योर कैलकुलेटर टू फाइंड द रेशियोज एंड दिस वाज ऑन पेज 383 एंड यू जस्ट हैड टू राउंड इट अप. बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कैलकुलेटर में यहाँ शो कर रही हूँ कैसे करते हैं इसे. बस आपको करना है सिन डालना है कैलकुलेटर में एंड 34 एंड देन यू गेट द नंबर्स एंड देन यू जस्ट राउंडेड अप टू द 1 द वेरी लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट एंड देन यू गेट द फाइनल आंसर. तो आपको वैसे सेम करना है हर एक नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए तो जब आप एग्ज़ाम्स में लिखने जाएँ तो आपको लाइक कोई स्ट्रगलिंग ना हो. इसलिए हमारे टीचर्स हमें इतने सारे एक्सरसाइजेस कराते ताकि हम स्ट्रगलिंग ना हो और हम चीज़ों को भूल ना जाए ज़्यादा. एंड होमवर्क इज़ द मेन की. अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको ग्रेड्स में लाइक आपकी ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि होमवर्क ऐसी चीज़ होती है जो हम दिन में करते हैं. और इंसान जो ऐसा है ना, हर एक इंसान की बात कर रही हूँ मैं इधर, हम 1-2 घंटे में भूल जाते हैं जो चीज़ हम करते हैं. So that's why we have a homework diary. That's why we get homework. And it's like every human forgets. So my main thing would be ki aap log bhi homework time par karein. So you get a better grade. So chalam jaate hain question 17 par. Dekh sakte hain aap correct to the nearest degree par karna. Aur yahan par hum use karenge shift sin a. Ye bhi calculator mein aapko bataungi. और इसमें बस आपको ये करना है कि टॉप में जब शिफ्ट लिखा हुआ था उसे शिफ्ट देन प्रेस द सिन देन यू गेट द आंसर एंड देन यू जस्ट राउंड इट अप टू द नियरेस्ट डिग्री. एंड माय आंसर फॉर द फर्स्ट वन एज एन एग्जांपल आई एम शोइंग यू ऑल इट्स 48 डिग्रीज. सो यू जस्ट फॉलो द सिंपल स्टेप्स एंड डू इट फॉर ऑल द 3 फॉर्मूलाज एंड यू गेट द करेक्ट आंसर. सो एज यू ऑल मे सी आई डिड द सेम थिंग फॉर क्वेश्चन 18 एंड क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20. But in question 22, it's a bit of a difference. So first we'll just go on to question 18. Aapko same formula use karna hai, except for sin A, aapko cos B istemal karna hai. Yani bas cos hai, B ko aap bas aise chhod dein, wo bas ek formula ka B hai. And tan C, tangent. And you just do the same for question 18, 19 and 20. And in question 22, it's a bit of a difference.
All you do is 3 times. So press 3 in your calculator, multiply sine and then sin 54. I know there's no degree sign in the calculator, but you just do is 3 times sin and 54 and you get the answer. You just round it up to the second decimal point. And there you go, you get the answer. So do try this out, it is very helpful. और आप सबको अगर अंडरस्टैंड कुछ और आपको ठीक से समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे. चलते हैं हम क्वेश्चन 2 पर, पेज 386 पर. जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है इधर, और देख सकते हैं आप अजेसेंट जो है उसमें x है एंड हाइपोटेन्यूज में 9 एंड द एंगल में है 42 डिग्रीज. अब हम इसे कैसे करना है, x ओवर 9 डालना है हमें, अजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज़ इक्वल्स टू sin. तो हमें यहाँ पर मिल गया हमारा फॉर्मूला और वो है sin. sin है इक्वल्स टू 0.64 टाइम्स बाय 9 एंड यू गेट द आंसर. वैसे आपको सेम चीज़ करना है यहाँ पर, क्वेश्चन 4 को भी मैं वैसे ही कर रही हूँ. बस आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको अब कौन सा फॉर्मूला है, या ये sin है, cos है, या फिर ये tan है, टेंजेंट. सो आपको ये बस सिंपल से 3 फार्मूलाज आपको ढूंढना है. इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको मालूम करना है कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं. अगर आपको रॉन्ग फार्मूला आप पिक कर लिए बाय एक्सीडेंट, देन यू गेट द होल आंसर रॉन्ग. मैं आप सबको एक छोटा सा मैसेज या फिर एक टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि ये है, आप सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब मिलकर पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इन माई ओपिनियन इट इज़. क्योंकि आप नॉर्मल टाइम पर तो एक्सरसाइजेस करते होंगे बुक्स में, या फिर टेस्ट योर सेल्फ के जो चैप्टर होते हैं वो करते होंगे. अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है देन डोंट लीव दिस आउट, कीप ऑन वॉट यू आर डूइंग. बट आई वुड सजेस्ट कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो सब, हर कोई जो एग्ज़ाम्स के बहुत ही ज़्यादा नियर है, अभी इस वक्त तो शायद नहीं होंगे जैसे आप सबको पता है बाहर के हालात कैसे हैं, बट आई वुड से कि पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स भी इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स होते हैं जब आप नियर एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई असाइनमेंट्स आ रहे हैं आपके पास. पास्ट एग्ज़ाम पेपर इस्तेमाल क्या करें, पास्ट एग्ज़ाम पेपर से इस्तेमाल करने के पर ये हमें मिलता है कि कौन से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे असाइनमेंट्स या फिर एग्ज़ाम्स में, हमें पता चलता है. जैसे हाइपोटेन्यूज है, पिथागोरस थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सर्कल्स एंड डायग्राम्स, स्टफ लाइक दैट. आपको बस एक क्लू मिल जाएगा कि आखिरकार एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है, पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है, यू जस्ट गेट एन आइडिया. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी टीचर मुझे हैंड आउट दी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पर, और हमें ये फाइंड आउट करना था कि आखिर कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, हमें फिगर आउट करके उसका आंसर भी लिखना था. एंड आज यू ऑल कैन सी थोड़ा बहुत मैसी है मेरी कॉपी, बट इट्स ओके. सो क्वेश्चन 1 tan है यहाँ पर फार्मूला इसका, एंड हम a ओवर 56 डालेंगे मल्टीप्लाइड बाई tan एंड 13 सेंटीमीटर विच इज़ 0.23 और टाइम्स बाई 56 एंड यू गेट योर फाइनल आंसर विच इज़ 12.92. वैसे आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है, सेम फार्मूला तो नहीं बट सेम मेथड आई वुड से, एंड जस्ट डू इट एंड यू गेट द सिंपल आंसर. बस प्रैक्टिस मेकी पॉइंट होती है, प्रैक्टिस करें एंड यू विल अचीव. यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व कर रही थी मैं, और पेज 390 से क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आई थिंक आई डिड इट टू 10 विच इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज, बट आई थिंक आई गॉट सम ऑफ देम रॉन्ग. वेल आई जस्ट टेल यू एंड एक्सप्लेन द वंस आई गॉट राइट. ऑन क्वेश्चन 2 इट सेज tan 58 एंड यू हैव टू पुट द हाइपोटेन्यूज बिकॉज द हाइपोटेन्यूज में नंबर नहीं है. सो हाइपोटेन्यूज ओवर 200 विच इज द एडजेसेंट. तो ये हो गया टेंजेंट इक्वल्स 320. सो दैट्स योर आंसर. वैसे आपको सेम इस्तेमाल करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस.
थोड़ी वर्डिंग डिफरेंट होगी क्वेश्चंस की, वो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो बनाते हैं क्वेश्चनर्स वो ट्रिक करने के, पर सेम होता है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, बस वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो कि आप सबको शायद प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंडिंग करने में, बट ट्रूली द वर्डिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम. अब यहाँ पर हम चलते हैं सर्कल्स एंड सिलेंडर्स में, जो कि है पेज 276 एक्सरसाइज 17.1. और यहाँ पर मैं डायग्राम्स एवरीथिंग ड्रॉ कर चुकी हूँ और लिख भी चुकी हूँ कि ये कौन सा डायग्राम का क्या है. क्वेश्चन वन, मैं रेडियस ड्रॉ करी हूँ यहाँ पर फुल सर्कल में. रेडियस 2 है कॉर्ड, 3 डायामीटर जो कि सेंटर पॉइंट होता है उसको डायामीटर कहते हैं. आर्क होता है वो सिर्फ एक छोटा सा पीस होता है सर्कल का. 5 इज द सेमी सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट एंड टेंजेंट. सो ये रहे हमारे की पॉइंट्स जो आपको सर्कल्स एंड सिलेंडर्स में लाजमी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में क्वाइट फ्यू टाइम्स आ जाते हैं, बट याद करने में कोई बुराई नहीं है. सो आई वुड से रिवाइज दीज टू एंड दे आर क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. बस आपको याद करना है कि आखिर ये रेडियस एक कॉर्ड है, डायामीटर क्या है चीज़ है, डायामीटर सेंटर पॉइंट होता है, सेमी सर्कल यानी हाफ ऑफ द सर्कल, सेक्टर इज़ लाइक अ पिज़्ज़ा पीस, वो सब सिंपल सा आपको याद करना.